ओवेंस को परचेस करने जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ओवन कौन सा परचेस करना चाहिए, माइक्रोवेव लेना चाहिए या फिर ओटीजी लेना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। माइक्रोवेव के फंक्शन के अकॉर्डिंग इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला सोलो माइक्रोवेव, ग्रिल माइक्रोवेव और कन्वेक्शन माइक्रोवेव। सोलो माइक्रोवेव जनरली रीहीटिंग, कुकिंग और डिफ्रॉस्टिंग के काम आता है और ग्रिल माइक्रोवेव में आप ग्रिलिंग के साथ साथ रोस्टिंग बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। नॉनवेज या वेज दोनों की ग्रिलिंग आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। ग्रिल मोड के साथ साथ इसमें आपको माइक्रोवेव मोड भी मिल जाता है जिसमें आप खाना इसमें कुक कर सकते हैं। सोलो और ग्रिल माइक्रोवेव दोनों में ही आप बेकिंग नहीं कर सकते हैं, बेकिंग केवल आप कन्वेक्शन माइक्रोवेव में ही कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कन्वेक्शन माइक्रोवेव की। कन्वेक्शन माइक्रोवेव ऑलराउंडर माइक्रोवेव ओवन होता है जिसमें आप रीहीटिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, डिफ्रॉस्टिंग बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, जिसमें आप ओटीजी और माइक्रोवेव के सभी काम आसानी से कर सकते हैं। कन्वेक्शन माइक्रोवेव ग्रिल और सोलो माइक्रोवेव के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि ये सारे काम कर सकते हैं तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। बेकिंग करने के लिए कन्वेक्शन मोड पर माइक्रोवेव को प्रीहीट करना होता है जबकि माइक्रोवेव मोड या ग्रिल मोड पर ये प्रीहीटिंग नहीं करनी होती। मेरे अकॉर्डिंग तो आप बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग ये सब पसंद करते हैं और आपकी फैमिली छोटी है तो आप कन्वेक्शन माइक्रोवेव आसानी से ले सकते हैं क्योंकि इसमें आप सभी काम कर सकते हैं, कुकिंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसमें बेकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल बेकिंग के पर्पस से ले रहे हैं, कुकिंग आपका सेकेंड प्रायोरिटी है तो आप यहाँ पर ओटीजी प्रेफर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेटर होगा क्योंकि ओटीजी में बेकिंग बहुत ही इवन और बहुत ही अच्छी होती है। मेरे अकॉर्डिंग तो आप एक ओटीजी के साथ साथ सोलो माइक्रोवेव ले सकते हैं या फिर स्पेस की प्रॉब्लम है तो आप केवल कन्वेक्शन माइक्रोवेव ले सकते हैं। दोनों की कॉस्टिंग लगभग इक्वल आएगी।